वेलकम फ्रेंड्स, अपने पहले वाले ट्यूटोरियल्स में हमने राइट लाइन मेथड को यूज करके यूजर से वैल्यूज को प्रिंट करवाना सीखा था। तो हमारा जो स्ट्रिंग टाइप है उसकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग ही होती है। तो अपने आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे जो यूजर की वैल्यूज पर। तो चलिए आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि वेलकम टू माइंडपुले, हमने प्लीज एंटर योर नेम, नेम के साथ साथ हमने यहाँ पे एज भी एंटर करवाई है। उसके बाद क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया एज, और उसमें मैंने क्या किया, कंसोल डॉट रीडलाइन मेथड का यूज किया। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन लगाई हुई है हमने, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का ब्रीफली जो यूज है वो हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे इसका यूजर समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन अप्लाई की हुई है जिसमें मैंने लिखा है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो मेरा ये वाला मैसेज शो हो जाए कि एज इज ग्रेटर देन 18, और उसके बाद ही मेरा ये मैसेज भी आ जाए यूजर्स एजेस, देन मैंने प्लेस होल्डर यूज किया कि जो भी मेरी एज है वो उस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर में स्टोर हो जाए। उसके बाद मैंने इफ की जो एल्स पार्ट है वो भी दिया है कि अगर मेरी एज 18 से ग्रेटर नहीं है, यानी 18 से लेस है या 18 के इक्वल है, तो मेरी ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैंने क्या स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई हैं कि एज इज लेस देन 18, और नेक्स्ट में यूजर्स एज इज, यूजर की जो भी एज है वो उस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर पे जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट में मैंने क्या मैसेज प्रिंट करवाया, थैंक्स, और लास्ट में मैंने रीडलाइन मेथड का यूज किया अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले रन करके देख लेते हैं डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरर है, ऑपरेटर दिस वन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इंट। ये एरर हमें क्या बता रहा है, क्योंकि जो हमारा एज है ये स्ट्रिंग टाइप का है और इसका कंपैरिजन हम नंबर से कर रहे हैं, तो ये हमारा नहीं चलेगा। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे दोनों टाइप के ऑपरेंड्स है वो सेम होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीडलाइन मेथड जैसे ही खत्म होता है यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे आई, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन इंटीजर टाइप से करना है, तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ। तो मान लीजिए मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज एज 1। अब क्या है कि जो भी मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यूज है वो कितनी लेता है, मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया इंट 16, देन डॉट, उसके बाद हमारे पास एक पार्स मेथड होता है कन्वर्जन के लिए, उसको एंटर किया मैंने, और पैरेंथेसिस में मैं वो पास करूंगी जिसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो दैट इज माय एज। और यहाँ पे भी हम अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने कन्वर्जन कर दिया है, जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था उसको हमने इंटीजर में चेंज कर दिया। तो अब जो हमारा कंपैरिजन है वो इजीली हो सकता है। तो पहले मैंने इसको सेव किया और अब हम इसे रन करके देखते हैं डिबग पे जाके, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ चुकी है, प्लीज एंटर योर नेम। सपोज मैंने कोई भी नेम एंटर किया, देन वेलकम टू माइंडफुली ये मैसेज आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आ चुकी है। अब इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कोई भी किसी भी नंबर के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, ये तो मैंने इंटीजर टाइप का किया, आप किसी भी और नंबर के साथ फ्लोट है या कोई भी और डेटा टाइप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया इंट, सपोज कोई भी वेरिएबल ले लिया एज 1 ही, देन इक्वल टू मैंने इंट 16 डॉट पर्स मेथड का यूज किया और इसमें मैंने पास किया एज। ठीक, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको फ्लोट में चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने टाइप किया फ्लोट, देन उसके बाद कोई भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया ए, यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल ए इज इक्वल टू, देन फिर से इंटीजर टाइप का इंट, देन डॉट पर्स मेथड, और उसके बाद आउटपुट में मैं इसके पैरामीटर्स में क्या पास करूंगी, एज। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट्स कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी कोई भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो हम किसी भी टाइप के वेरिएबल को यूज करके जो यूजर की वैल्यूज है उनके साथ करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो एक ही टाइप की हो,
पर हमारा इस पे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो हमारे पास आउटपुट है वो सेम ही रहेगी। तो इस तरह से अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम कैसे स्ट्रिंग टाइप को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू।